हेलो यू ऑल वेलकम टू मैं आपकी भाभी का टीचर आज आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ आप सब लोग रेडी हो ना ओके okay. बच्चों आज हम काउंटिंग इन अ ग्रुप पढ़ने वाले हैं पर ये पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी गेम खेल रहे हैं ओके आर यू एक्साइटेड चलो अच्छा वाला गेम खेलते हैं मज़ा करते हैं है ना? और फिर मज़े से हम पढ़ के बुक ओपन करेंगे ओके तो आप लोगों के पहले तो अच्छे से कान खुले रख दो और अच्छे से देखो है ना? मेरी ये गेम और मेरे साथ खेलना है हाँ आप लोगों ने भी ये गेम आपके घर पे ऐसे ही गेम खेलते खेलते नंबर्स बनाना है बनाएंगे ना ओके okay, चलो देखते हैं बच्चो नाउ मैं आपके लिए क्या लाई हूं yes, ये क्या है डिब्बिया है छोटी छोटी सी बराबर अरे ये क्या दिख रहा है यस yes, देखो पास से देखो इसको क्या बोलते हैं यस टर्माइन सीड्स टर्माइन सीड्स डेट मीन के सीड्स न अभी बच्चों आप बोलेंगे मैम ये सब क्या लेके आई है तो मैं अगर बोलूं कि एक साथ मुझे ये डब्बिया काउंट करके दिखा तो आप अगर यहाँ से चालू करते हैं चलो वन टू थ्री फ़ोर फाइव सिक्स सेवन एट अरे मैंने कहाँ से स्टार्ट किया यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अच्छा ये टेन डब्बिया है ओके बच्चों पर आप ये ग्रुप ऐसे आ, सब एक साथ मैंने रखे है तो आपको काउंटिंग में थोड़ी दिक्कत आएंगे ना कभी आप भूल जाएंगे कि मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की है है ना काउंटिंग में प्रॉब्लम हो रही है ना, हाँ अरे अगर मैंने ऐसा बोला कि मुझे ये टेरमाइन सीड्स एक साथ काउंट करके बताओ तो आपको ये सब ऐसे अरेंज किए नहीं है तो काउंटिंग में दिक्कत आएंगे ना नहीं तो आप लोग क्या करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे एक एक काउंट करेंगे तो काउंटिंग में बहुत टाइम लग, लग जाएगा लग जाएगा कि नहीं पर अभी देखो हाँ एक जादू देखो मैं अगर ऐसे अच्छे से अरेंज करूँ तो आप लोगों को काउंटिंग में फटाफट से आ जाएगा कि नहीं काउंटिंग फटाफट से होगी कि नहीं होगी ना ओके देखो इसमें कितने हैं वन फर्स्ट रो में कितने है वन फिर सेकेंड रो में टू तो वन प्लस टू इज थ्री है ना फिर थर्ड रो में कितने हैं बच्चों यस वन टू थ्री तो ये थ्री और ये थ्री मिला के कितने हुए हैं सिक्स और ये लास्ट रो में कितनी डबिया दिख रही है आपको फोर दिख रही है ना तो सिक्स प्लस फोर मिला के टेन तो कितना अच्छे से काउंटिंग हुआ ना हम्म ये देखो और टेरमाइंट सीड्स अभी काउंट करेंगे चलो अगर मैं टेरमाइन सीड्स को ऐसे थ्री थ्री के पेयर्स बना देते हैं है ना तो ये थ्री प्लस थ्री सिक्स हो गया फिर ये थ्री सिक्स और थ्री नाइन हो गए है ना? और नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन और फिफ्टीन प्लस थ्री यस yes. सिक्सटीन सेवनटीन एटीन तो एटीन हो गया हो गए कि नहीं और और थ्री मैं डालूँ तो कितना हो जाता है नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन आप लोग ऐसे भी काउंट कर सकते हो हाँ बच्चों देखो ये वन टू थ्री है तो थ्री और थ्री के आगे थ्री किया तो सिक्स हो गया सिक्स के आगे और थ्री लिए तो सी सेवन एट नाइन तो फट हो गए ना नाइन ए टेन एलेवन ट तो ये ट्वेल्व सीड्स हो गए है ना तो कितने अच्छे से फटाफट से काउंट हो रहा है ना आपको कैच भी हो रहा है कि ये थ्री सीड्स है फिर उसके बाद थ्री सीड्स हैं तो इसको बच्चों जो ग्रुप ग्रुप करके काउंटिंग करते हैं ना उसको ग्रुप काउंटिंग बोलता है और उससे सब कैलकुलेशन फटाफट से होता है दिखना है ओके और पेयर बना के दिखाऊँ ये थ्री के ग्रुप्स बनाए पर अभी मैं ये सब से आपको टू टू पेयर्स करके दिखाती हूँ ये सब डब्बिया काउंट करनी है ना तो उसको टू टू के इसमें अरेंज करेंगे ओके चलो करते हैं यस बच्चों। अभी देखो मैंने डब्बियों का कैसे अरेंज कर दिया टू की पेयर में ये एक पेयर हुई ये दो पेयर हुई ये थ्री पेयर फोर फिर फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो मैं अगर बोलूँ कि कितने पेयर्स है तो एट पेयर्स है। पेयर्स दैट मीन्स तो जोड़िया है ना? डब्बियों की कितनी जोड़िया है हमको पेयर काउंटिंग करनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है ना पेयर्स यानी ग्रुप है ना ये दो दो के ग्रुप कर दिए तो मैंने पूछा आपको कि कितने पेयर्स है ना तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बच्चों पेयर्स किसकी बनती है पता है आपको जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल शूज़ है आप शूज़ भी पेयर से काउंट कर सकते हो फिर जो सेम कलर है है ना उसकी पेयर काउंटिंग होती है फिर ईयर होती है ना ओके तो रिंग्स की काउंटिंग होती है पेयर्स में और किसकी किसकी काउंटिंग होती है पेयर्स में मुझे बताना हाँ और मुझे पैर काउंटिंग करके बताना बताएंगे ना ये तो हमने पेयर काउंटिंग कर दिया अभी मैं आगे और भी बताती हूँ खेलनी है ना आगे गेम यस ये पेयर काउंटिंग हो गई चलो अभी आगे देखते हैं देखो बच्चों और हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने टू टू की काउंटिंग करके दिखाई थ्री की काउंटिंग करते के दिखाई दिखाई ना आप ऐसे फोर फोर के भी ग्रुप्स ले सकते हो बच्चों जैसे कि फोर है ना और ये फोर देखो फोर फोर एंड फोर ओके अभी इसमें एक ही सीड्स बच रहा है फोर होने में दिख रहा है ना यस तो बच्चों अगर आपको अगर लिख के करना है काउंटिंग लिख के करनी है तो कैसे करेंगे देखो बच्चों ये फोर प्लस फोर प्लस फोर है ना टोटल करनी हो तो हमको पता है हमको क्या करना पड़ता है एडिशन करना पड़ता है ना ओके okay, तो ये जो मैंने फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर ऐसे लिखा ना इसको क्या बोलते हैं पता है हॉरिजेंटल प्रेजेंटेशन हॉरिजेंटल प्रेजेंटेशन हॉरिजेंटल है ना फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर कितना होता है फोर प्लस फोर एट एंड एट प्लस फोर एट के आगे आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व तो ये ट्वेल्व हो गए ट्वेल्व के आगे यस थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन तो ऐसी काउंटिंग होती है आप एडिशन ऐसे भी लिख सकते हो और एडिशन ऐसे भी लिख सकते हो फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर है ना इसको क्या बोलता है वर्टिकल प्रेजेंटेशन है ना वर्टिकली भी आप प्रेजेंट कर सकते हो दैट मीन्स स्टैंडिंग लाइन समझ में आया स्टैंडिंग प्रेजेंटेशन तो उसको वर्टिकल प्रेजेंटेशन बोलता है और फोर प्लस फोर एट हो गया एट प्लस फोर हमने यहाँ पे काउंटिंग की थी यस नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व टेन प्लस थर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन फिफ्टीन सॉरी थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन तो आप ऐसे भी लिख सकते हो है ना ये मैंने फोर फोर की काउंट बन काउंटिंग बनाई फिर हमने पहले भी देखा ना थ्री की काउंटिंग भी थ्री थ्री के ग्रुप्स की है टू टू के ग्रुप से काउंटिंग की।, की थी कि की नहीं ओके तो आपको अभी पता तो चल गया हॉरिजेंटल कैसे अगर लिख के हमको अगर एडिशन करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं और एग्जांपल लेना है चलो लेते हैं बच्चों अभी देखो ये कितने हैं टू सीड्स है इसलिए मैं यहाँ पे टू लिखती हूँ प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू है ना टू प्लस टू फोर फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस टू एट एंड एट प्लस टू यस टेन है ना अगर किसी को अच्छे से काउंटिंग नहीं आ रही है थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप ऐसे भी काउंट सब करते हो वन और टू तो आपको पता है टू के आके थ्री फोर है ना तो ये फोर हो गया फोर और फाइव सिक्स तो सिक्स सेवन एट तो ये एट हो गए और नाइन टेन तो ये टेन हो गया बराबर बच्चों ओके okay, ये मैंने कौन सी प्रेजेंटेशन की स्लीपिंग दैट मीन्स हॉरिजेंटल प्रेजेंटेशन और मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना देखो हाँ टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू तो अभी क्या हो गया टू प्लस टू फोर फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस टू एट एंड एट प्लस टू टेन हो गया बच्चों यस yes. दिख रहा है ना ओके ओके बच्चों देख लिया आपने मेरे हॉरिजेंटल प्रेजेंटेशन बताया एंड वर्टिकल प्रेजेंटेशन बताया है ना आप काउंटिंग ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो तो अभी बुक की गेम खेलनी है बुक में कौन से क्वेश्चन हैं देखने हैं चलो देखते हैं बच्चों अभी पे देखो ये आपका चैप्टर नंबर सेकंड है काउंटिंग इन अ ग्रुप लुक एंड गेस दी नंबर हाँ बच्चों अगर अभी यहाँ पे देखो हाँ ये कप्स है तो कितने हो गए गे कप्स गेस करते आएगा येस बच्चों क्योंकि ये बहुत अच्छे से अरेंज किए हैं तो आप इमेजिन भी कर सकते हो कि ये कितने कप्स है टेन चलो काउंट करना है हमने गेम में देखा था ना टेन की काउंटिंग यस yes, इन लोगों ने भी ऐसा अरेंज किया देखो, है देखो फर्स्ट रो में वन है सेकेंड रो में टू है तो वन प्लस टू कितना हुआ थ्री फिर थर्ड रो में थ्री कप्स है तो थ्री प्लस थ्री सिक्स एंड लास्ट रो में फोर कप्स है है कि नहीं फोर कप्स है ना यस yes, देखो ये देखो वन और ये टू थ्री फिर फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो ये टोटल मिला के टेन हो गए यस yes. थ्री और ये थ्री सिक्स एंड ये फोर सिक्स प्लस फोर टेन ओके हाँ अच्छा ये क्या दिख रहा है जूतों की पेयर्स ना मैंने आपको पेयर काउंटिंग भी बताया था हाँ अभी ये देखो बच्चों कि हर एक रो में कितनी पेयर्स है हमको तो पेयर्स ही काउंट करनी है फर्स्ट रो में कितनी पेयर्स है तो थ्री सेकेंड रो में थ्री थर्ड रो में थ्री है ना तो कितनी पेयर्स हुई थ्री प्लस थ्री सिक्स एंड नाइन ये देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थ्री और थ्री पेयर्स और थ्री पेयर्स तो three plus three six एंड three plus six plus three nine दिख रहा है ना कितने अच्छे से उन्होंने अरेंज किए है आ आपको यही बोला गया है देखो ये बच्चे क्या खेल रहे हैं हाँ ये लोग भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं देखो कैन यू गेस हाउ मेनी कप फिर ये बच्चे ने बोला थ्री एंड थ्री सिक्स कप एंड फोर कप बिलो दैट शुड बी टेन कप्स हमारी गेसिंग एंड काउंटिंग दोनों राइट right है देखो अभी क्या बोलते हैं कैन यू गेस हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज आप गेस कर सकते हो कितने पेयर्स है हैं मैंने बोला ना इन्होंने भी हमारे टेक्निक यूज की है there are three lines and three pairs of shoes in each line so that makes nine pairs of shoes देखा ना बच्चों इन्होंने भी हमारे जैसे देखा हाँ बच्चों मैंने आपको ग्रुप काउंटिंग की गेम खिलाई ना वो आप बीड्स लेके भी कर सकते हो है ना फिर आप ग्राउंड नट्स होते हैं उसकी भी काउंटिंग कर सकते हो वैसे तो ऐसे गेम करके मुझे बताना है है ना ग्रुप काउंटिंग करके ये एक्टिविटी भेजनी है आपको ओके चलो आगे का पेज देखते हैं क्या है ओके अभी तो हमको क्या दिख रहा है यस, लुक एट हाउ लुक एट हाउ डिफरेंट थिंग्स आर केप्ट इन अ ग्रुप ट्राई टू गेस टोटल नंबर विदाउट काउंटिंग ईच हाँ बच्चों मुझे एक भी बात बतानी थी अगर ग्रुप होता है ना तो हमको गेसिंग के लिए भी बहुत इजीनेस होता है देखो आप कितने इजीली ये काउंट कर देंगे क्योंकि यस कितने ग्लासेस है ट्वेल्व देखते हैं कैसे है ना अभी काउंट करके देखते हैं मैं राइट हूँ या नहीं तो बच्चों ये देखो थ्री थ्री प्लस थ्री तो सिक्स होता है एंड सिक्स ये थ्री एंड ये थ्री मिला के सिक्स तो सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल हो गया है ना हाँ तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो ट्वेल्व ग्लासेस और ऐसे भी लिख सकते हो थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री है ना ओके अभी बैंगल्स हाँ हर एक इसमें कितनी बैंगल्स है यस फाइव तो फाइव और ये कितने स्टैंड दिख रहे है फाइव तो सब मिलके कितने हो गए यस ट्वेंटी फाइव हो गए देखो बच्चों आपको तो पता है कि फाइव प्लस फाइव टेन होता है और ये टेन यानी ट्वेंटी और ये फाइव तो ट्वेंटी फाइव हो गए कितनी फास्ट काउंटिंग हो गई ना यस ट्वेंटी फाइव बैंगल्स और ग्रुप कितने हैं तो फाइव ग्रुप है देखो बच्चो फाइव फाइव के वन टू थ्री फोर फाइव पर हमको यहाँ पे क्या पूछा है बैंगल्स तो बैंगल्स कितनी हुई ट्वेंटी फाइव hmm. अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको इिंग है ना पेयर ऑफ इिंग्स देखो मैंने बताया था ना पेयर्स में क्या होता है शूज़ है, होते हैं इयर होते हैं है ना हम्म शर्ट पैंट की पेयर होती है सलवार कमीज़ की पैर होती है होती है कि नहीं ऐसे चलता है कि शर्ट पहना पैंट नहीं पहनी पैंट पहना शर्ट नहीं पहना तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होता है नहीं शर्ट के साथ पैंट होनी ही चाहिए सलवार के साथ कमीज होना चाहिए तो वैसी पेयर बनती है इट बच्चों ओके okay, आपको यहाँ पे क्या काउंट करने को बोला है पेयर्स ऑफ इयर तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व तो ट्वेल्व पेयर्स हुई कितनी पेयर्स हुई ट्वेल्व ओके देर आर थ्री ग्रुप्स ऑफ स्पून वन ग्रुप सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप डैट मींस थ्री ग्रुप्स ऑफ स्पून है ना? और हर एक ग्रुप में कितने हैं आपको कैसे दिखाई दे? दे रहे आपकी आईसाइट दिखाई दे रही है ना? आपकी आई साइट को दिखाई दे रहा है ना कि कितने एक ग्रुप में कितने स्पून हो गए देखो अच्छे से देखो हाँ पहले काउंट नहीं करना है फिर करेंगे येस yes. एट है ना हम्म चलो काम करके देखना है मुझे तो एट दिख रहा है देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो बच्चों एक ग्रुप में एट हुए दूसरे ग्रुप में एट हुए तो एट प्लस एट येस सिक्सटीन एंड सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी फोर काम करना है देखो बच्चों ये फर्स्ट ग्रुप है ये फर्स्ट ग्रुप है इसमें एट है ये सेकेंड ग्रुप है तो इसमें एट है और ये थर्ड ग्रुप है है कि नहीं देखो आई एम सॉरी था एट एट ये एट ये एट और ये एट हो गए ठीक अभी एट के आगे नाइन टेन इलेवन, ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन तो ये सिक्सटीन हो गए सिक्सटीन के आगे सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर तो आपके एट प्लस एट ट्वेल्व प्लस एट सॉरी एट प्लस एट सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस एट ट्वेंटी फोर है ना हाउ मेनी इन ईच ग्रुप कितने हैं हैंट गेस दी टोटल यस yes, तो हमने गेस भी कर दिया और काउंटिंग भी कर दी ट्वेंटी फोर ओके okay. hmm. आपको ग्रुप काउंटिंग में गेसिंग भी होनी चाहिए आपके इमेजिशन इमेजिनेशन भी डेवलप होना चाहिए मोर और लेस लेटेस्ट गेस दी करेक्ट आंसर आपको करेक्ट आंसर पे रिंग करनी है और यहाँ पे क्या है चलो पहले पढ़ लेते हैं नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ ये मोर देन टेन मोर देन फोर्टी होता है या लेस देन फोटी यस हमारे माउथ की टीथ माउथ में टीथ नियर अबाउट थर्टी थर्टी टू होते हैं किसी के ट्वेंटी एट होते हैं वेरी होते हैं पर नियर अबाउट थर्टी टू होता है और थर्टी टू ये लेस देन यस लेस देन फोर्टी है लेस देन है, ओके, नंबर ऑफ सीड्स इन ऑरेंज, तो कितने होते हैं यस, लेस देन फिफ्टी होते हैं कि नहीं फिफ्टी इतने सारे होते हैं नहीं हमको ग्रुप काउंटिंग से है ना बच्चों अच्छे से और इमेजिनेशन से हमको पता चल जाता है कि कितने कम है कितने ज़्यादा होते हैं कोई भी चीज़ में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं है हाँ? ना इमेजिन कर सकते हैं इसके लिए ये एक्सरसाइज है जैसे कि अगर विदाउट काउंटिंग हमको गेस करना है कि मैस्टिक में कितने नंबर्स होते हैं तो मे भी ऐसा हो सकता है लेस देन थर्टी होता है या मोर देन थर्टी आपको ये बंच ज़्यादा लगता है ना तो हम गेस करेंगे इट इज़ मोर देन थर्टी फिर नंबर ऑफ पेंसिल इन योर क्लास आपके क्लास में कितनी पेंसिल हो सकती है मोर देन फोर्टी फाइव या लेस देन फोर्टी फाइव हर एक क्लास बच्चों नियर अबाउट फोर्टी का होता है है ना तो ऑब्वियसली लेस देन फोर्टी फाइव ही होगी फिर नंबर ऑफ स्पोक इन वन साइकल साइकिल में कितने स्पोक हो गए आप इमेजिन कर पा रहे मोर देन ट्वेंटी या लेस देन ट्वेंटी तो मोर देन ट्वेंटी तो होती है है ना ओके नाउ हाँ आगे क्या बताया है होप टिल यू ड्रॉप होप यानि जम्प करो है ना टिल यू ड्रॉप यानी जब तक आप गिरते नहीं हो ना तब तक हाँ ये भी बहुत मज़ेदार गेम है हाँ बच्चों ये एक्टिविटी करके भी आप मुझे आपके कितने होप हो रहे हैं कितने जम्प हो रहा है वो आप मुझे बता सकते हो हाँ दिखा सकते हो एक्टिविटी करके हाउ मैनी टाइम्स कैन यू होप ऑन योर फीट ऑन योर राइट फूट विदाउट फॉलिंग हाँ विदाउट फॉलिंग आप आपके राइट पैर से कितने जम कर सकते हो मुझे तो लग रहा है एट अ टाइम आप फाइव टू सिक्स कर सकते हो कितने करेंगे करके दिखाएंगे मुझे भेजना हाँ एक्टिविटी करके कि आप कितने जंप कर सकते हो आपका जो आप जंप कर रहे हो एक ही पैर से पर राइट लेग से ही कितना करते हो वो मुझे बताना। मेरे मेरे हिसाब से तो आप है ना फाइव टू सिक्स टाइम जंप कर सकते हो एट ए टाइम देखते हैं है या रॉन्ग है हाउ मेनी टाइम्स कैन यू होप ऑन योर लेफ्ट फुट विदाउट फॉलिंग तो बच्चों अगर आप मेरे पास होते ना तो आज हम ये गेम खेलते थे अभी लेफ्ट पैर से ट्राई करना है पहले हमने राइट पैर से किया अभी लेफ्ट लेग से ट्राई करना है और मुझे होप करके दिखाना है हाँ करेंगे ना एट ए टाइम मुझे तो ऐसा लग रहा है आप फाइव टू सिक्स कर पाएंगे पर मे बी इससे ज़्यादा भी हो सकता है मुझे करके दिखाना ओके नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है जॉइंट दी डॉट्स जो जो डॉगी इज हंग्री ज्वाइन दी डॉट्स इन ऑर्डर फ्रॉम ट्वेंटी वन टू फिफ्टी टू फाइंड आउट वॉट इज हीडन फॉर ही टू ईट क्या है उसके लिए आपको क्या बोला है येस yes, ये डॉगी है ना वो बहुत हंगरी है और आपको क्या करना है ज्वाइन करना है नंबर ट्वेंटी वन टू फिफ्टी टू इतना ही ज्वाइन करना है तो उसके लिए उसका खाना छुपा हुआ है वो हमको फाइंड आउट करना है तो चलो बच्चों पहले तो हम पूरे नंबर्स को अच्छे से अरेंज कर देते हैं सो so, आप लोग भी ये कर सकेंगे ओके फाइंड आउट ट्वेंटी वन यस ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन के बाद ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फ़ोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी फोर फाइव थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट फिर थर्टी नाइन फोर्टी फोटी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी एंड फिफ्टी टू यस ये क्या बनाया बच्चों डॉगी का बोन है ना डॉगी बोन खाता है ना तो ये बोन उसको दे देना है तो वो हंगरी फील नहीं करेगा ओके नाउ नोटी बुरू नोटी भुरू के बारे में हमको पढ़ना है नोटीपुरु आप जैसे ही है देखो क्या कर रहा है बुरू सम पेजेस ऑफ दिस बुक की ये मैथ्स के बुक क्या है ना गुरु ने यस धज्जिया उड़ा दी उसने सब पेजेस अलग अलग कर दिए हाँ अभी उसको हमको क्या करना है पता है हेल्प करना है राइट दी पेजेस पेज नंबर इन द करेक्ट ऑर्डर है ना हमारे बुक में आपने ऑब्जर्व किया है वन के बाद टू टू थ्री फोर ऐसे पेजेस होते हैं ना अरेक्ट ऑर्डर में अभी भूरे ने कौन कौन से पेजेस फाड़े हैं देखो यहाँ पे फोर्टी एट है है ना फोर्टी एट तो यहाँ पे उसने अरेंज कर दिया है उसके बाद फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन कहाँ पे आएगा यस बिफोर फोर्टी एट है ना फिर फोर्टी नाइन दिख रहा है यस yes, यहाँ पे दिख रहा है तो फोर्टी एट के बाद क्या आएगा फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन के बाद फिफ्टी दिख रहा है यस तो फिफ्टी को यहाँ पे अरेंज करो फिफ्टी के बाद क्या दिख रहा है फिफ्टी वन दिख रहा है यस फिफ्टी वन को यहाँ पे अरेंज करो फिर फिफ्टी टू है ना फिर फिफ्टी थ्री तो यस डॉगी के हाथ में ही है डॉगी के मुंह में सॉरी तो फिफ्टी थ्री तो फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री तो हमने अरेंज कर दिया ना बुक्स के नंबर यस अभी ये क्या पजल है चलो पढ़ना है समझनी है पजल गेम खेलनी है ओके चिपकू रैट हैज़ अ लॉन्ग टेल ये चिपकू टेल है ना अरे चिपकू रेट है ना इसके पास बहुत लंबी टेल है वेन ही वॉज स्लीप जब वो सोया था

तो बच्चों यहाँ पे बिगेस्ट नंबर आपको कौन सा दिख रहा है ऑब्जर्व करना है हाँ चलो बाद में करते हैं बिगेस्ट नंबर से उसने स्टार्टिंग की है शी मूव ऑन टू द स्मॉलर नंबर इन ऑर्डर सो बिगेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर तक गई स्मॉलर नंबर तक गई है ना हेल्प हर इन टाइम बट द टेल शुड नॉट क्रॉस इट सेल्फ एनी वेयर है ना एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं होने चाहिए एक ही लाइन में टाई होने चाहिए करना है टाई करना है चलो यस बच्चों पहले तो हम नंबर्स देख लेते हैं हा? हाँ कौन कौन से नंबर्स है लुक एट हियर, थर्टी नाइन है यस थर्टी नाइन है फिर यस थर्टी सेवन है फिर थर्टी सिक्स है फी कौन सा है थर्टी फाइव है है ना थर्टी फाइव थर्टी थ्री थर्टी टू फिर 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 से क्या आएगा थर्टी थर्टी वन थर्टी ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट एंड ट्वेंटी सेवन ऐसे नंबर्स हैं तो हमको क्या करना है बच्चों पता है येस बिगर नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर तक लेके जाना है तो चलो लेके जाते हैं यस yes. पहले तो वो कौन से नंबर को ट्राई करेंगी थर्टी